केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानून समझ नहीं, कानूनों का फायदा समझ नहीं आता। तो केंद्र सरकार ने अपने सारे बड़े दिग्गज नेता, जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनको उतारा है कि समझाओ, और वो समझा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी में आ रहा था, शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका भाषण, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं, मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, ये फायदा है क्या? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, तुम्हारा ये, अरे भैया ये तो था ही हमारे पास, फायदा क्या है? तो इनसे किसी से पूछ लो, ये भी इतने सारे बैठे हैं, किसी से पूछ लो, किसी भाजपा वाले से कि फायदा क्या है, इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। यही कहते हैं ना ये, मैं आज धान का MSP 1868 है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको MSP से ज्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है, कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो, अरे कहां बेच लें, बताओ तो सही। अब हमारे देश का किसान पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है, वो देश का किसान कहीं भी नहीं बेचेगा, उनको भी पता है कि कौन बेचेगा, उनसे पंजाब में खरीदेगा, उत्तर प्रदेश में उनसे 800 रुपए में बेच के वही बड़े बड़े पूंजीपति इतनी महंगाई कर देंगे कि वो पूरे देश के अंदर इसको महंगा बेचेंगे। ये किसानों के बेचने के लिए कानून नहीं बनाया गया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना वोटिंग के अंदर तीन कानून बस पास पास कर दिए अध्यक्ष ने और पास हो गए, कोई वोटिंग नहीं कराई गई इसके। ऐसी क्या आफत थी कि ये कानून पास कर दिए गए? ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा। डाउनलोड मौज।